अमेरिका में लिया, वो भी तो मनुष्य है। हाँ भाई, लंदन वाले क्या मनुष्य नहीं है? वो भी है, वो मनुष्य है, वो भाग्यशाली हो सकते हैं, बिल्कुल भाग्यशाली है। लेकिन मैं कहता हूं भारत में जन्म लेने वाला भाग्यशाली नहीं, वो सौभाग्यशाली है। जय हो, परम सौभाग्यशाली है। जो आप कथा सुन रहे हो, महर्षि वेदव्यास ने सोचा ये मेरा पुत्र है और मेरे पुत्र को भागवत पढ़ाऊंगा तो ये दुनिया के लोग क्या कहेंगे, अपने बेटे को पढ़ा रहा है, इससे अच्छा पहले परीक्षा होनी चाहिए कि सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है क्या। सुखदेव लौट के आया है, उसी समय व्यास जी ने जनक महाराज के यहां भेजा। जनक बड़े विद्वान है, जनक महाराज के यहां बहुत बड़ा संस्कृत पाठशाला चलती है, वेद वेदांत के ज्ञाता है। सुखदेव वेद वेदांत पढ़ने के लिए श्री जनक महाराज के यहां जाते हैं और जनक को इशारा कर दिया, मेरे बेटे को ठोक पीट के परीक्षा ले लेना। देखो सुखदेव भगवान दौड़ते दौड़ते जनक के द्वार के आगे जाते हैं। जनक के यहां दो द्वारपाल खड़े रहते हैं। जनक ने कह दिया सुखदेव आ रहे हैं, लेकिन सुखदेव आ तो रहे हैं, सुखदेव को बोलना कि 7 दिन का समय नहीं है, गेट पे खड़े रहे। 7 दिन गेट पे खड़े रहे और थोड़ा क्रोध आ जाए तो भगा देना। अब देखो सुखदेव मुनि द्वार के ऊपर 7 दिन खड़े हैं, द्वारपाल खड़े हैं, जरा भी क्रोध नहीं आया। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत कड़की धूप में खड़े हैं। 7 बजे जब देखा तो पहले से भी चेहरे का तेज प्रकाशित हो रहा था। अंदर आ जाओ, संत है, अंदर ले आए। अंदर लाते एक बहुत बड़ा बगीचा है, सुंदर बगीचा। सुंदर बगीचे के अंदर झूले रखे हुए, सुखदेव भगवान को झूले पे बिठा दिया और झूले पे बिठाने, देखो ये संत की परीक्षा हो रही है, एक झूले पे बिठाया है और झूले पे बिठाने के बाद सुंदर सुंदर अप्सराएं आ रही है। एक अप्सरा महाराज सुंदर सुंदर ढंग से दौड़ती दौड़ती आई, सुखदेव के मुख में पान दे रही है। दूसरी अप्सरा दौड़ती दौड़ती आई, सुखदेव के गले में हाथ डाल रही है। तीसरी अप्सरा ने सुखदेव का हाथ पकड़ लिया, लेकिन लेश मात्र भी भगवान सुखदेव के चेहरे के मुख के ऊपर काम वासना नहीं दिख रही है। लेश मात्र काम वासना जागृत नहीं है। द्वारपालों ने जाके जनक से इशारा किया, महाराज क्षमा करें। जनक दौड़ते 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 आए हैं और सुखदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, क्षमा करें, वेद वेदांत के हस्ताक्षर तुम स्वयं हो, मैं आपको वेदांत नहीं पढ़ा सकता। सुखदेव ने कहा क्या मेरे से गलती हो गई, क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्षमा करना, आपके पिता की आज्ञा से सब ये हुआ। जनक ने इशारा किया, मैं जो पहली बात की वो बात अब खुल रही है। जनक ने इशारा किया, सुखदेव ने काम को जीता है, सुखदेव ने क्रोध को जीता है, सुखदेव ने लोभ को जीता है, सुखदेव ने मोह को जीता है। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इसको जीतने वाला ही भागवत का अधिकारी होता है। जनक के यहां से दौड़ते दौड़ते आए सुखदेव भगवान को, सुखदेव के पिता ने भागवत पढ़ाई है और भागवत पढ़ने के बाद मां ने आज सुखदेव को कौपीन पहनाई है, सुंदर कौपीन, स्नान करवाया, अलंकृत किया और श्रीमद् भागवत का अध्ययन करवाया। वहीं से श्री सुखदेव निर्गुण की समाधि में जाके बैठते हैं। 7 दिन में शाप लगता है परीक्षित को, कोई निर्णय नहीं कर पाता है कि 7 दिन में मोक्ष कैसे होगा। उस समय सुखदेव आते हैं, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। शौनक आदि ऋषियों ने कहा महाराज ये परीक्षित कौन है?
तीन दिन से कथा कह रहे हो, हमने तो ये सुना है कि भागवत में हर समय परीक्षित सुखदेव परीक्षित सुखदेव, और तीन दिन से आपने नाम ही नहीं लिया, ये परीक्षित कौन है? कृपा करके परीक्षित के बारे में बताने की कृपा करें। शायद मेरे हिसाब से, मेरी बुद्धि के हिसाब से संतों ने कह दिया, अभी परीक्षित की बात कहना ठीक नहीं समझता, परीक्षित की कथा तो मैं कहना ठीक नहीं समझता, लेकिन कहूंगा। बोले क्यों कहोगे ठीक नहीं समझते तो? बोले परीक्षित की कथा से भगवान की कथा उदय होती है। भगवान से भी बड़ी यदि कोई कथा है तो भक्तों की कथा है। बुरा नहीं मानो तो एक बात कह दूं क्या रामनिवास जी? बुरा मत मानना। यदि आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हो तो गुरु जम्बेश्वर भगवान की कथा सुनने से ही भगवान विष्णु पहले प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि गुरु जम्बेश्वर में और हम में कोई फर्क नहीं है। विचार कर, भगवान कहते मेरी भक्तों की कथा से मेरी कथा उदय होती है। ये चार व्यक्ति एक है, कौन कौन से? भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। भक्ति में भक्त में भगवान में गुरु में कभी फर्क मत देखो, कभी फर्क मत देखो। गुरु है वो, गुरु भगवान है। आपने देखा होगा लोग जयकारा लगाते तो क्या बोलते, सदगुरुदेव भगवान की। भगवान है, भक्ति में भगवान में फर्क नहीं, गुरु में भक्त में फर्क नहीं, गुरु में भगवान में फर्क नहीं, कोई फर्क। तो आज श्री देखो, जैसे गुरु चाहता है ना हमें शिष्य अच्छा मिले, कितने गुरुजी ऐसे हैं वो सोचते हैं हमें कोई अच्छा शिष्य मिल जाए, अच्छा शिष्य मिल जाए है? और ऐसे शिष्य चाहता है कोई सुंदर गुरु मिले, शिष्य भी यही चाहता है अच्छे गुरुजी मिल जाए तो हमारा काम हो जाए, कोई भजन करने वाले गुरुजी मिल जाए तो हमें भजन करने का भी प्रेरणा दे। जैसे शिष्य चाहता है सुंदर गुरु हमें मिल जाए, ऐसे गुरुजी भी चाहते हैं कोई अच्छा शिष्य हमें मिल जाए। आपने देखा होगा ध्रुव जी को गुरु बनाया पीछे पड़ के नारद जी ने, नारद जी ने शिष्य बनाया, नारद जी ने ध्रुव को शिष्य बनाया पीछे पड़ के। क्यों बनाया? नारद जी को पता था ऐसा शिष्य कोई बनेगा तो मेरा भी नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा। किसी स्कूल में बच्चा पढ़ा हुआ हो, प्राइमरी में पढ़ा हो चाहे, तो आईपीएस लग जाए ना तो एमए क्लास वाला तो कहेगा कि नहीं, पीएचडी वाला कहेगा कि नहीं, लेकिन प्राइमरी वाला जरूर कहेगा कि मेरे पढ़ाया हुआ है। हाँ ये बच्चा हमने पढ़ाया है, मेरी स्कूल का है, ये आईएस लगा आईपीएस लग गया है। ऐसे शिष्य जैसे चाहते ऐसे गुरुजी भी चाहते हैं मुझे अच्छा शिष्य मिले। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि में वर्णन आता है अगस्त मुनि के शिष्य है जिसका नाम श्रुतिक्षण है। श्रुतिक्षण में अगस्त को ही भगवान राम के दर्शन करवाए थे, कथा आती है, बहुत सुंदर कथा है, बहुत सुंदर। आज सोने का ऋषियों ने कहा महाराज ये परीक्षित कौन है, इसको सात दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? मैंने सुना है किसी ऋषि के गले में मरा हुआ श्राप डाल दिया, सर्प डाल दिया था, इसलिए उसको श्राप दे दिया है। कृपा करके सत्संग में इसको थोड़ा बताओ। आहा, थोड़ा सुनाऊं क्या? ये बहुत अच्छी महाभारत की कथा है, बड़ी सुंदर महाभारत की कथा है। थोड़े दिन बाद में मैं महाभारत की कथा आरंभ करने वाला हूं,
महाभारत की कथा सुनाऊंगा, तो महाभारत की कथा एक महीने तक सुनाऊंगा, एक महीने। थोड़ी तैयारी चल रही है। ऐसे महाभारत के वक्ता कम है ना, हमने देखा भाई भागवत के तो बड़े वक्ता है और शब्दवाणी के भी बड़े वक्ता है, राम कथा जगह जगह हो रही है, महाभारत नहीं हो रही है, नहीं हो रही ना। ऐसे कुछ पंडित जी तो ऐसे हैं कि किसी घर में महाभारत का चित्रपट लगा उसको भी हटा देते हैं, बोले इसको हटा दो, ये हटा दो, घर में नहीं रखना चाहिए। हमने विचार किया हम महाभारत की कथा बोलेंगे। महाभारत में 1,00,000 मंत्र है, 5वां वेद है, भागवत में लिखा पंचमो वेद उच्यते यदा मृधे कौरव संजयाना वीरे तो वीर गति गतेषु ब्रको भगिनो रुदन्ते धृतराष्ट्रपुत्रे प्रभो धृतराष्ट्रपुत्रे धृतराष्ट्रपुत्रे। कौरव पांडव का युद्ध चल रहा है, 20 मिनट सुनना, 20 मिनट में पूरी करना, 20 मिनट तक आराम से सुनना श्रद्धा भाव से, उसके बाद कथा पूरी करेंगे। कौरव पांडव का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए हैं, कौरव में केवल एक बचा है दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया। अब महाराज जंगा को जैसे तोड़ दिया है, एक एक पल अपनी मौत का गिन रहा है, कब मेरी मौत हो जाए, कब मेरी मौत हो जाए, एक एक पल गिन रहा है। ऐसी उसकी परिस्थिति बन गई, दुर्योधन पड़ा हुआ है, कौरवों के गुरुदेव के पुत्र अश्वत्थामा आए हैं। अश्वत्थामा ने कहा, ए मित्र, तेरी दुर्गति किसने करी है, तेरी जंगा किसने तोड़ी है, कृपा मुझे बता, तू मुझे बता, मित्रवर दुर्गति किसने करी, जंगा किसने, अरे ये दुर्व्यवहार तेरे साथ किसने किया है। दुर्योधन ने कहा, मित्र, तू मेरा मित्र है और मैं तुझे कहना चाहता हूं, पांचों पांडवों को आज तुम कैसे भी मार दे तो समझ लेना मुझे सब कुछ मिल गया है। तू पांचों पांडवों के मार के आ जा। अरे मित्र, ये कौन सी बड़ी बात है, तू समझ ले आज ही पांचों पांडव मर चुके हैं, तू समझ। अश्वत्थामा ने कहा कि कौन सी बड़ी बात है, समझ ले मर गए आज, लेकिन एक बात कह दूं क्या, व्यक्ति के मारने से कोई नहीं मरता है और व्यक्ति के बचाने से भी कोई नहीं बचता है। जाको राखे साईया मार सके नहीं को, बालन बात कर सके जो जग पे जगत में कितने बेरी आपके हैं, आपको मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जब तक भगवान की कृपा आपके ऊपर रहेगी तब तक आपका कोई बाल भी पांका नहीं कर सकेगा। रक्षक जिसका कृष्ण है, रक्षक जिसके भगवान विष्णु हैं, क्या उसको कोई मार सकता है, कोई नहीं मार सकता। पांचों पांडव तान दुपट्टा सो रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं अपने घर में एसी चला के सो रहे हैं, डबल बेड पे सो रहे हैं, जीनी चादर ओढ़ के सो रहे हैं,
पांचों पांडव तान दुपट्टा सो रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण चांदी की छड़ी लेके महाराज रक्षा कर रहे हैं, हाथ में चांदी की छड़ी है और चांदी की छड़ी लेके भगवान सुरक्षा में है। अब कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब साई 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 करके हवा चल रही है, सब के सब सो रहे हैं। अर्जुन की नींद खुली, अर्जुन की जैसे नींद खुली, श्री कृष्ण का अर्जुन नींद आ रही है। हाँ प्रभु हम सोएंगे, जब आप मेरी रक्षा कर रहे हो तो हम तो तान दुपट्टा सोएंगे, हम सोएंगे। भगवान कृष्ण का अर्जुन इस समय तुझे यहां रात्रि में नहीं सोना चाहिए। पांचों पांडवों को उठाया है और पांचों पांडवों को वहां से उठा के दूसरी जगह सुला दिया। द्रौपदी के पांचों पुत्र वहीं सोते रह जाते हैं। दुष्ट अश्वत्थामा आया है और दुष्ट अश्वत्थामा आने के बाद द्रौपदी के पांचों पुत्रों को पांडव समझा और पांचों पांडव समझते समझते द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार दिया, सिर धड़ गर्दन से अलग कर दिया। द्रौपदी को पता चला कि पांच पुत्र मेरे मर चुके हैं। माता शिशुना निर्धनम सुता निसन्न घोरं परिपाप्यमान कुला कुलाक्षी द्रौपदी के पांचों पुत्रों को दुष्ट अश्वत्थामा ने देखा ये पांडव है और सिर धड़ से अलग कर दिया। द्रौपदी आज कुरह की भांति क्रुदन कीड़ा विलाप कर रही है, क्रुदन कीड़ा कर रही, क्या बिगड़ा था मेरे पुत्रों को दुष्ट अश्वत्थामा ने मार दिया। अरे दुष्ट अश्वत्थामा तुझे क्या मिला भाई, मेरे जिस मां का एक बेटा मर जाए उस मां को पूछो कि उस मां के हृदय की वेदना में कितना दुख होता है, और जिस मां के पांच बेटे हो और पांचों मर जाए फिर उस मां के हृदय की। द्रौपदी रो रही है, द्रौपदी क्रीड़ा क्रुदन क्रीड़ा की, पूरी सभा में सन्नाटा छाया है। पता चला अश्वत्थामा ने मारा है। अर्जुन दौड़ता 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 आया, अर्जुन दौड़ता दौड़ता आया और अर्जुन ने कहा द्रौपदी तेरे पुत्र को मारने वाले दुष्ट को छोड़ूंगा नहीं, पृथ्वी आकाश पाताल में छोड़ने वाला नहीं, मुझे लोग गांडीवधारी अर्जुन कहते हैं, मुझे लोग गुड़ाकेश कहते हैं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अश्वत्थामा जैसे अर्जुन को आते देखा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चलाया है। ब्राह्मण के पास एक ब्रह्मास्त्र होता है, ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन मैं छोड़ने वाला नहीं। अर्जुन घबरा गया, अर्जुन ने सोचा ब्रह्मास्त्र मुझे भस्म कर देगा, अर्जुन के पास में तो एक ही उपाय है, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो आठो याम उधो हमें कृष्ण ही सुकाम है, कृष्ण धन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन आठो याम उधो हमें श्याम ही सुकाम है। अर्जुन को कृष्ण की याद आई, कृष्ण दोनों अर्जुन दोनों हाथ ऊपर करता है। गोपाल जी नोट करो, कभी कोई जीवन में संकट आए अर्जुन की तरह पुकारना, ये श्रीमद् भागवत है, यह प्रथम स्कंद है, सातवां अध्याय है, 22वां श्लोक है, ऐसे कोई नहीं बताएगा।
श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद के सातवें अध्याय का 22वां श्लोक नोट कर लो। जीवन में कोई संकट आए तो भगवान विष्णु को पुकारना और भगवान विष्णु आपकी रक्षा करेंगे, उनका सुदर्शन चक्र रक्षा करेगा। अर्जुन दोनों हाथ ऊपर करके कृष्ण कृष्ण महाबाहो अपसरगो संस्कृता, अपसरगो संस्कृता। श्री कृष्ण, हे भगवान विष्णु, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हे महाबाहो प्रभु, मुझे बचाओ। भगवान प्रकट हुए, अरे अर्जुन घबराओ मत। विशस्य विषौषधि, अर्जुन विष की औषधि विष होती है। महाराज समझा नहीं, विष की औषधि विष होती है मतलब क्या? साधारण भाषा में समझाऊं, जैसे आप खेत में गए हो, आपके खेत है ना, आप खेत में जाओ और खेत में जैसे गए तो खेत में आपके पैर में कोई कंटक लग गया। कंटक समझते हैं ना? हाँ, जैसे कोई कंटक लगा। अब कंटक लग गया तो कंटक निकालने का आयुध आपके पास में नहीं है। पुराने लोगों के पास में, सबके पास होता था वो चांदी का एक चिमटी सी बना के अपने करधनी में बांध के रखते थे, कभी कुछ हुआ तो चिमटी से निकाल के फेंक दिया। हाँ, हमारे डूंगर राम जी के पास तो अभी रखा है। हाँ, भाई मेरे चिपटा वो होता था ऐसे छोटा सा, तो उससे खींच के निकालते। अब आपके पास वो चिपटा है नहीं, निकालने का आयुध नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे? अब आपके पास में है ही नहीं, कैसे निकालोगे? भगवान कृष्ण बता रहे हैं विशस्य विषौषधि, विष की औषधि विष होती है। तो आप क्या करोगे? खेत में दूसरा कंटक जो पेड़ में लगा है, उस पेड़ वाले कंटक को तोड़ोगे और पेड़ के कंटक को तोड़ के अपने पैर में जो लगा है पैर वाला कंटक, कंटक से निकालोगे और कंटक से कंटक निकाल के दोनों कंटक को फेंक दोगे। विशस्य विषौषधि, भगवान कहते हैं अर्जुन विष की औषधि विष है, तू भी क्या कर बोल, तू भी ब्रह्मास्त्र चला दे। तू कौन सा कम है? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, तू भी चला। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया है। जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया, आकाश मंडल में दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए हैं और दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा के धराधाम के ऊपर जो नीचे गिरे हैं, बाल पकड़ के अंदर लाया है। अर्जुन ने अश्वत्थामा के बाल पकड़ के ले आया। द्रौपदी ये दुष्ट है, अश्वत्थामा ये मेरे गुरुदेव के चरित्र के ऊपर कलंक लगाने वाला ये दुष्ट है, तेरे पांचों पुत्रों को मारने वाला ये दुष्ट है, मृत्यु दंड तो सुनिश्चित है, इसको मारूंगा, लेकिन तुम बता इसको कैसे मारूं? बड़े बड़े लोग सब बैठे हैं, बड़े बड़े लोग सब के सब महाराज बैठे हैं, लेकिन आज कह रहे हैं कि तू बता मारूं तो कैसे मारूं? तेरे पांच पुत्रों को मारा, दुष्ट को पांच बार मार दूं क्या? लेकिन पांच बार नहीं, मरेगा मरेगा तो एक ही बार। हाथी के पैर के नीचे दे के मारूं या अग्नि में जलाकर मारूं, कैसे मारूं बताना पड़ेगा। द्रौपदी दया की सागर है, द्रौपदी के हृदय में महाराज दया है। द्रौपदी के नेत्रों से झरझर 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 अस्त्र बिंद छलक रहे हैं। द्रौपदी हाथ जोड़ के श्रद्धा और भाव के साथ अर्जुन को क्या कहती है? अर्जुन मुंचता मुंचता में से ब्राह्मणों ने गुरु, ब्राह्मणों ने आठवें सातवें ही अध्याय का 43वां श्लोक है प्रथम स्कंद का।
43 श्लोक। मुंचता मुंचता ब्राह्मणो नित्राम गुरु। छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए, क्या मिलेगा। मैं एक माँ हूं और एक माँ होने के नाते दूसरे माँ के हृदय की वेदना को मैं समझती हूं। मेरा 5 बेटे आज मरे हैं तो मेरा हृदय किस किस रो रहा है। आप इसको मारोगे, इसकी माता गोमती रोएगी नहीं क्या? वो जरूर रोएगी, इसलिए आप मुंचताम छोड़ो। द्रौपदी के हृदय में दया आ गई। अर्जुन ने मन में सोचा, राजनीति में दया नहीं चलती है, ये राजनीति करने वाले लोग बैठे हैं ना, इनको पूछ लो। एक बार चुनाव हार गया ना तो दूसरी बार वो तैयार हो जाएगा, बोला हरा के ही मानो, ऐसे नहीं कि भी अब इस बार बैठ जाओ, नहीं नहीं, सटता के साथ में तो सटता का व्यवहार करना ही चाहिए। मुझे निवास नीच कर तू, मुझे निवास नीच कर तू, देख न सके सत रही सत संगति पाई, पारस पारस को भात सुहाई, ओच निवास कर कोटि देख सकल पराई विभूति, ओच निवास नीच कर कोटि, ओच निवास नीच कर कोटि। ये मेरे गुरुदेव का बेटा है, ये मेरे गुरुदेव है साक्षात, और गुरुदेव का बेटा सुधामा मेरे गुरुदेव के चरित्र पे कलंक लगा रहा है। छोड़ दो, मुंचता मुंचता में से ब्राह्मणों ने तेरा गुरु। एक तो गुरु पुत्र है, जो गुरुजी ने अपने बेटे को शिक्षा नहीं दी है वो तेरे को दी है, तुम लोगों को दी है, अपने बेटे को नहीं दिया, आप लोगों को दिया है। अरे उसी गुरुदेव के पुत्र को आप मार रहे हो। अर्जुन ने सोचा करुणा आ गई है, सामने युधिष्ठिर बैठे हुए हैं, युधिष्ठिर से निवेदन किया आप बताओ। युधिष्ठिर ने कहा भाई देखो, शास्त्रों में वर्णन है सटता के साथ सटता का व्यवहार होना चाहिए, धर्म ग्रंथों में लिखा अर्जुन तुम वैसे करो ना। सामने भीमसेन भी बैठे थे, लंबी दाढ़ी वाले, चरणों में वंदन किया, भीमसेन आप बताओ, खबरदार तू छोड़ता है तो मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है। नकुल सहदेव मंजले भैया ठीक कह रहे हैं, जैसे मंजले भैया की, लेकिन द्रौपदी मुंचता मुंचता छोड़ दो छोड़ दो। सबकी मीटिंग चल रही है, सबसे पीछे बल्ली का सहारा लगाए हुए श्रीमान जी खड़े हैं, समझ गए होंगे श्री कृष्ण सबसे पीछे खड़े। कन्हैया ने कहा हमको कोई पूछे नहीं तो हम क्यों बोले। अरे भाई चार आदमी अपनी बात कर रहे हैं, दो आदमी अपनी बात कर रहे हैं, तीसरे को जाने की कहां जरूरत पड़ी है। कोई बुलाता नहीं, कोई पूछता नहीं, क्यों?
शांत खड़े टेढ़ी टांग मुर्गी।